A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjri Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar OOP standard 3. And today we are going to start a new lesson with the name unit number 22, conjunctions and or but and because. ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू यूनिट कंजक्शंस और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंड और बट एंड बिकॉज का यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है वो. इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 21 प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट. ओके, आई हैव एक्सप्लेन इट टू ऑल ऑफ यू विद इट्स एक्सरसाइजेस. ठीक है, हमने फोकस एंड प्रैक्टिस एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज में प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट के लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स देख लिए थे और अच्छे से लर्न कर लिए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिकॉल सम प्रीवियस लेसन्स एक्सरसाइजेस. प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट. तो कि प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट वो है जो कि सेंटेंस के अंदर मूवमेंट दिखाने वाले वर्ड को मोर डिस्क्राइब करते हो कि ये जो मूवमेंट हो रही है सेंटेंस के अंदर वो किस तरह से हो रही है वो दिखाने वाले वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम, मूवमेंट्स. ठीक है, प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट्स. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक यूनिट नंबर 22 कंजक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कंजक्शंस. तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शंस मीन्स कि कुछ जोड़ना, जुड़ा हुआ. ठीक है, एंड हियर आर फ्यू वर्ड्स ऑफ कंजक्शंस दैट एंड और बट एंड बिकॉज. ओके, कंजक्शंस का मतलब होता है जोड़ना और जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें किसको जोड़ना है, सेंटेंस को. ठीक है, और जोड़ने के लिए हमें ये सारे जो फॉर्म्स है कंजक्शंस के एंड और बट एंड बिकॉज. एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है ये और उससे दूसरा भी, यानी कि अगर चॉइस हो आपके पास तब हम और का यूज़ करते हैं, बट यानी कि किंतु परंतु, एंड बिकॉज यानी कि अगर हमें किसी सेंटेंस को जोड़ते वक्त उस सेंटेंस का पहले वाले सेंटेंस से क्या ताल्लुक था, क्या रिलेशन था. ठीक है, अगर वो हमें डिस्कस करना है तब हम सेंटेंस को छोड़ेंगे बिकॉज से. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कंजक्शंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कंजक्शंस. ओके, तो कंजक्शन का मीनिंग जिस तरह से मैंने आपको बोला कि किसी को भी छोड़ना, इकट्ठा करना, ये इसका नॉर्मल मीनिंग है. और अगर हम कंजक्शंस की डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो हम कंजक्शन की डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं. ये सब आपको लिखना नहीं, ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बेटर लर्निंग के लिए है. सो इसके ऊपर सिर्फ फोकस कीजिए. कंजक्शंस आर वर्ड्स. यहाँ पर कंजक्शंस मीन्स आपको ये वर्ड्स लेने हैं, कंजक्शंस यानी कि एंड और बट एंड बिकॉज. सो कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन आइडियाज टूगेदर. कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स है जो कि दो आइडियाज को, एक से ज़्यादा आइडियाज़ को टूगेदर छोड़कर रखते हैं. ठीक है, एंड इन द सेंटेंस वी यूज एंड और बट बिकॉज टू जॉइन टू सेंटेंसेस. They'll help us, they help us to connect ideas and they are called कंजक्शंस. देखिए यहाँ पर कंजक्शंस को मोर डिफाइन किया है इन
वर्ड से कि कंजक्शन ऐसे वर्ड है जो कि दो आइडियाज़ को, एक से ज़्यादा आइडियाज़ को एक साथ जोड़ते हैं। कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन आइडियाज़ टुगेदर। तो कंजक्शंस आर वर्ड्स, तो ये वर्ड कौन कौन से है? एंड, और, बट एंड बिकॉज। ठीक है, वी यूज एंड, और, बट एंड बिकॉज टू जॉइन टू सेंटेंसेस। ओके, दो सेंटेंसेस अलग अलग है और अगर वो दोनों सेम आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं तो उसको जॉइंट करने के लिए हम ये सारे जो कंजक्शंस है और, बट, बिकॉज एंड एंड, उसकी हेल्प लेते हैं दो सेंटेंसेस को टुगेदर मर्ज करने के लिए। दे हेल्प अस टू कनेक्ट आइडियाज़। वो हमें किसके अंदर हेल्प करते हैं? दो आइडियाज़ को मर्ज करने में, एक करने में। दे आर कॉल्ड कंजक्शंस। तो वो वर्ड्स जो कि हमें सेम आइडिया को मर्ज करने में, कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं उसको क्या कहेंगे हम? कंजक्शंस। और कंजक्शंस कौन कौन से हैं? एंड, और, बट एंड बिकॉज। एंड नाउ हाउ दे वर्क वो हम सीखेंगे अब वन बाय वन। ओके, पहले एंड के बारे में, देन और, बट एंड बिकॉज। वन बाय वन हम हाउ दे वर्क वो सीखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट कंजक्शन एंड दैट इज एंड। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ एंड इन सेंटेंस? वी यूज एंड टू जॉइन टू सेंटेंसेस और टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अभी कोई एक सेंटेंस ले लो आप, ठीक है, और उसी सेंटेंस के मीनिंग को और ज़्यादा आगे चलाने के लिए दूसरा सेंटेंस हो, ठीक है, और उन दोनों सेंटेंस को हमें मर्ज करना हो, तब हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे? एंड का। अगेन आई रिपीट, वी यूज एंड टू जॉइन टू सेंटेंसेस और टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के दो पार्ट को या तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करेंगे। इट विल मोर क्लियर विद दोज एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द मार्केट। ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ग्रोसरीज। देखिए यहाँ पर, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ग्रोसरीज। वो मार्केट में गया और उसने वहाँ पर ग्रोसरीज खरीदी। ग्रोसरी यानी कि घर की जो चीज़ें होती है उसे कहा जाता है ग्रोसरी। अभी देखिए, इसी सेंटेंस को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें तो उसके दो हिस्से कौन से होंगे? ही वेंट टू द मार्केट, ये हुआ एक सेंटेंस अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें तो। और दूसरा सेंटेंस हुआ, ही वेंट टू द मार्केट, ही बॉट ग्रोसरीज। वो मार्केट गया, उसने ग्रोसरी खरीदी। लेकिन अगर हमें इस सेंटेंस को मर्ज करना है तो हमें यहाँ से फुल स्टॉप हटाकर हमें इस यहाँ पर एंड लगा दे अगर हम, तो ये दो सेंटेंस का सिंगल सेंटेंस बन जाएगा क्योंकि एक ही बात की है पूरे सेंटेंस के अंदर, तो फिर यहाँ पर दो सेंटेंस को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थोड़ा, जब भी कुछ क्लम्सी होता है एकदम से ही, क्लम्सी मीन्स कि ज़्यादा डिटेल में, तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए, ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ग्रोसरीज। तो हमें पता ही है कि वही मार्केट गया था और वही ग्रोसरीज लेकर आया है, तो दो बार हमें सब्जेक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें एंड लगाकर एक सेंटेंस में काम बन जाता है तो। अगेन, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ग्रोसरीज। वो मार्केट गया और वो ग्रोसरीज खरीद के लाया। आई हैड एन एप्पल एंड अ बनाना। ओके, आई हैड एन एप्पल एंड अ बनाना। मेरे पास एक एप्पल है और एक बनाना है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को हमने किस तरह से मर्ज किया है। यहाँ पर इसी सेंटेंस के हम ये दो सेंटेंस बना देते हैं। आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल था। आई हैड एन बनाना, मेरे पास एक बनाना
था, ये दो सेंटेंस हुए, आई हैड एन एप्पल, आई हैड एन बनाना। तो ये थोड़ा रीड करने में, थोड़ा बोलने में थोड़ा ओड लगता है, आई हैड एन एप्पल, आई हैड एन बनाना। तो अगर इन दोनों सेंटेंस को हम एंड से जॉइंट कर दे इस तरह से, आई हैड एन एप्पल एंड अ बनाना, तो इतनी मेहनत कम हो जाएगी, ठीक है, इतनी मेहनत कम हो जाएगी। सिर्फ हमें यहाँ पर इन दोनों वर्ड की जगह पर एंड का ही यूज़ करना रहेगा और ये एक पूरा सेंटेंस बन जाता है, आई हैड एन एप्पल एंड अ बनाना। सो आई होप कि आपको एंड का यूज़ हमें सेंटेंस में किस तरह से करना है वो समझ में आ गया होगा। नाउ मूव अहेड टू द ओर, एंड के बाद हमारा दूसरा कंजक्शन आता है ओर। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओर, ओ आर ओर। तो ओर का मतलब यूजुअली होता है या तो फिर ये, अगर दो चीज़ आपके सामने रखी गई हो और आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो, यानी कि आपके पास चॉइस हो, तब हम किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारी चॉइस दिखाने के लिए और का यूज़ करते हैं। वी यूज़ और टू जॉइन सेंटेंसेस विच हैव अ चॉइस बिटवीन टू आइटम्स। टू आइटम्स के बिटवीन अगर कोई चॉइस हमें अपनी रखनी हो तब हम और का यूज़ करेंगे और ये हम जानेंगे विथ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पर, डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी। ओके, अगर हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो हम उससे पूछते हैं ना कि आप टी लोगे या कॉफ़ी, तो या ये जो वर्ड है टी लोगे या कॉफ़ी, तो ये जो या वर्ड है बीच वाला ये हुआ हमारा और। फॉर एग्जांपल डू यू वांट टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक टी एंड एक कॉफ़ी, और हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। ठीक है, अगर हम किसी के घर पर एज पर गेस्ट जाएंगे तो हम टी एंड कॉफ़ी दोनों तो नहीं लेंगे, कोई एक ही लेंगे, तो एक ही चॉइस है हमारे पास। तो हमें जब दो में से किसी एक चीज़ की पसंदगी करनी है, किसी एक को चूज़ करना है, तब उस चॉइस को दिखाने के लिए हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, और का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेयर यू वॉन्ट टू गो, फॉर अ मूवी और रेस्टोरेंट। ओके, आप कहाँ पर जाना चाहोगे, मूवी के लिए या तो रेस्टोरेंट के लिए। ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो आप मूवी देखने के लिए जा सकते हो या तो फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हो, और दोनों में से किसी एक को जब आपको चूज़ करना है तब आप इन दोनों के बीच में कौन सा कंजक्शन यूज़ करोगे, और का, एंड सेंटेंस को फुल करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ ओल्ड और न्यू। ओके, ये नया है या पुराना है, या तो ये नया हो सकता है या तो ये पुराना हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ रखी गई है ये नई है या पुरानी है, तो ओल्ड एंड न्यू में से किसी एक को सिलेक्ट करके आपको आंसर देना है। तो आप इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए सेंटेंस के अंदर कौन से कंजक्शन का यूज़ करोगे, और का। ठीक है, सो नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ और इज कम्प्लीट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट कंजक्शन एंड दैट इज बट। नाउ बट, सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ बट इन कंजक्शंस, वी यूज बट टू जॉइन डिफरेंट आइडियाज इन अ सेंटेंस, यानी कि हम एक सेंटेंस के अंदर टू काइंड ऑफ डिफरेंट आइडियाज को जॉइन करने के लिए बट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ बट, आई वुड like to swim but the water is
कोल्ड। देखिए यहाँ पर दो आइडियाज़ हैं, कौन कौन से कि मुझे स्विम करने के लिए जाना है, मुझे स्विम करना अच्छा लगता है लेकिन पानी ठंडा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे स्विम करना अच्छा लगता है, ठीक है, आई लाइक टू स्विम बट वाटर इज़ कोल्ड, क्योंकि पानी ठंडा है इसीलिए मैं शायद स्विम करने के लिए नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, तो दो आइडियाज़ हुए। तो दो आइडियाज़ को मर्ज करने के लिए यहाँ पर हमने कौन से कंजक्शन का यूज़ किया, बट का। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेंस अगेन, आई वुड लाइक टू स्विम बट वाटर इज कोल्ड। मुझे स्विम करना अच्छा लगता है लेकिन पानी ठंडा है, सो मे बी आई कैन नॉट स्विम। ओके, नाउ आई नो हाउ टू कुक, मुझे पता है कि किस तरह से कुक किया जाता है, बट आई डोंट नो हाउ टू मेक लड्डू। देखिए यहाँ पर भी दो आइडियाज़ को बट से ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आई नो हाउ टू कुक, मुझे पता है कि खाना किस तरह से बनाया जाता है, बट आई डोंट नो हाउ टू मेक लड्डू, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो लड्डू होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। सो यहाँ पर इन दोनों आइडियाज़ को मर्ज करने के लिए हमने कौन से कंजक्शन का यूज़ किया, बट का। सो यहाँ पर बट आपको क्लियर हो गया कि बट किस तरह से सेंटेंस के अंदर वर्क करता है। ठीक है, नाउ वन मोर, I like mangoes, but I don't like grapes. Okay? मुझे mangoes अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे grapes अच्छी नहीं लगती। I like mangoes, but I don't like grapes. ये दो ideas हैं, दो thoughts हैं और इन दोनों thoughts को but के कंजक्शन के हेल्प से हमने मर्ज किया है। आई लाइक मैंगोज बट आई डोंट लाइक ग्रेप्स। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू अवर लास्ट कंजक्शन बिकॉज, हाउ इट वर्क्स लेट्स सी। बिकॉज वी यूज बिकॉज टू गिव अ रीजन और एन एक्सप्लेनेशन इन अ सेंटेंस। हम बिकॉज का यूज़ कब करेंगे, जब हमें सेंटेंस के अंदर कोई रीज़न देना हो, किसी भी बात का कोई रीज़न देना हो कि ये हुआ तो ये क्यों हुआ। ओके, सो अगर हमें रीज़न देना हो या तो फिर सेंटेंस का कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो, एक्सप्लेनेशन मीन्स कुछ मोर डिस्क्राइब करना हो, कुछ ज़्यादा कहना हो, तब हम सेंटेंस के अंदर कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, बिकॉज का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, ठीक है, आपके फेयर बुक में आंसर्स जब लिखते हो किसी भी क्वेश्चन के, तो कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछा गया है तो अगर आपको उसका आंसर देना है तो आप बिकॉज लिखकर उसका आंसर लिखते हो ना कि भाई ये हुआ बिकॉज डैश डैश डैश। तो इस तरह से बिकॉज वर्क करता है कि जब भी हमें सेंटेंस में कोई बात का रीज़न देना हो या तो फिर किसी भी बात का एक्सप्लेनेशन देना हो तब हम सेंटेंस में कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, बिकॉज का। अभी हम बिकॉज का एक एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट हर अ पेन, आई बॉट हर अ पेन बिकॉज शी लाइक्स स्टेशनरी। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके पास ढेर सारे शार्पनर हो, पेंसिल्स हो, फिर भी उनको नई नई शार्पनर्स, पेंसिल्स, इरेजर्स अपने जो अपना जो कलेक्शन होता है उसके अंदर ऐड करना अच्छा लगता है, तो वो करते रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही थॉट प्रेजेंट किया गया है कि आई बॉट हर अ पेन, मैंने उसके लिए एक पेन खरीदी बिकॉज सी लाइक्स स्टेशनरी, क्योंकि उसको स्टेशनरी अच्छी लगती है। स्टेशनरी मीन्स जो भी पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें होती है, जो भी थिंग्स होते हैं जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्केल्स, वो सारी की सारी चीज़ें, बुक्स, ओके, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है, स्टेशनरी। मैंने उसके लिए स्टेशनरी खरीदी और उसके पीछे उसका रीज़न दिया है।
सॉरी मैंने उसके लिए पेन खरीदी बिकॉज करके उसका रीज़न दिया है. क्या रीज़न दिया है? शी लाइक्स स्टेशनरी, क्योंकि उसको स्टेशनरी अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसके लिए एक पेन लाया. ठीक है. सो नाउ अवर कंजक्शंस एंड और बट एंड बिकॉज विद देयर एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देख लिए. नाउ हम उसके मोर एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि हमारे टर्म बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. So we are going to start with end. Okay, so I'm going to write sentences here. So first number, Millie went to the party. Millie went to the party. Hamish went to the party. Hamish went to the पार्टी. देखिए यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस दिए गए हैं कि मिली पार्टी में गई, हैमिश पार्टी में गया. एंड वी लर्न दैट वी यूज एंड टू जॉइन टू सेंटेंसेस और टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं? एंड का. तो हमें अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करना है, जोड़ना है, तो हम किस तरह से एंड का यूज़ करेंगे? मिली एंड हैमिश वेंट टू द पार्टी. वेंट टू द पार्टी. तो सेम सेंटेंस है दोनों. इन दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग इस एक सेंटेंस का हुआ. ठीक है. और ये जो क्लम्सी था, थोड़ा ओड था, वो भी कुछ अच्छा लगने लगा, क्योंकि दोनों ने एक ही काम किया है. तो फिर इसके लिए दो सेंटेंस क्यों, अगर एक सेंटेंस में एंड से बन जाता है तो. सो हमने इसको मर्ज कर दिया. मिली एंड हैमिश वेंट टू द पार्टी. ठीक है. नाउ और अभी हम दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं एंड के लिए. आई वेंट अप टू द डोर. I went up to the door. I rang the doorbell. I rang the doorbell. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दरवाजे तक गया और मैंने डोरबेल बजाई. अब इस सेंटेंस को अगर हमें एंड से मच करना है तो हम किस तरह से करेंगे? I went up to the door. ठीक है. And I को निकल देंगे, फिर and rang the doorbell. बन गया हमारा सेंटेंस, दो सेंटेंस का एक. I went up to the door, I rang the doorbell. I went up to the door and rang the doorbell. हो गया? ठीक है. Read both sentences once. Okay. Now we will get to know more examples of or. So yeah,
यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है और के लिए यू कैन प्ले बाय कैश, यू कैन प्ले बाय कैश, यू कैन प्ले, यू कैन पे बाय कैश, यू कैन पे बाय कैश, यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड, यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो पेमेंट है वो कैश से भी कर सकते हैं एंड आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो मनी से यानी कि डायरेक्टली पैसे से आप कर सकते हैं बाय कैश एंड या तो क्रेडिट कार्ड से। तो हमने सीखा था जब हम और के बारे में सीख रहे थे तब कि जब भी वी यूज ओर टू जॉइन सेंटेंसेस विच हैव अ चॉइस बिटवीन टू आइटम्स, जब टू आइटम्स के बिटवीन हमें हमारे एक चॉइस रखनी हो तब हम और का यूज करते हैं। सो इस सेंटेंस को अगर हमें और से मर्ज करना है तो हम किस तरह से लिखेंगे इसे, यू कैन पे बाय कैश और क्रेडिट कार्ड, यू कैन पे बाय कैश और क्रेडिट कार्ड। सो ये बन गए हैं हमारा दो सेंटेंस में से सिंगल एक कंजक्ट किया गया हुआ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, रीड द सेंटेंस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू बट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस, शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन नॉट स्पीक चाइनीज। शी यानी कि वो इंग्लिश बोल सकती है, वो चाइनीज नहीं बोल सकती। आई रिपीट, वो इंग्लिश बोल सकती है, वो चाइनीज नहीं बोल सकती। और इन दोनों सेंटेंसेस को हमें बट से कंजक्ट करना है। ठीक है, सो वी नो दैट वी यूज बट टू जॉइन डिफरेंट आइडियाज इन अ सेंटेंस। यहाँ पर दो डिफरेंट आइडियाज है, एक तो इंग्लिश बोलने का एंड दूसरा चाइनीज बोलने का। एंड वी यूज बट टू जॉइन डिफरेंट आइडियाज इन अ सेंटेंस, सो वी कैन जॉइन दिस सेंटेंस विद बट लाइक दिस, शी कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट चाइनीज। ओके, शी कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट चाइनीज, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और अगर हम फुल में लिखना चाहें तो हम उस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किससे करना है, बट से। शी कैन स्पीक इंग्लिश बट शी कैन नॉट, शी कैन नॉट स्पीक चाइनीज। ओके, ओके, नाउ आप एक नज़र देख लीजिए बट को, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू बिकॉज। Because I did not go
I did not go out to play. It was raining heavily. It was raining heavily. मैं बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत ही हैवी रेनफॉल हो रहा है. नाउ वी हैव टू जॉइन दिस सेंटेंस विथ बिकॉज एंड वी नो हाउ टू जॉइन दिस सेंटेंस विथ बिकॉज दैट वी यूज बिकॉज टू गिव अ रीज़न और एन एक्सप्लेनेशन इन अ सेंटेंस. ओके, हमें बिकॉज का यूज़ किस तरह से करना है कि जब भी हमें सेंटेंस के अंदर कोई रीज़न देना हो या तो कुछ एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, तब हम बिकॉज का यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है बट हमें एक रीज़न देना है. किस बात का रीज़न देना है? आई डिड नॉट गो आउट टू प्ले. मैं बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकता. वाई? क्योंकि इट वॉज रेनिंग हैवीली. क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है. दैट्स वाई आई कैन नॉट गो टू प्ले आउटसाइड. ठीक है, सो इस सेंटेंस को हमें बिकॉज से मर्ज करना है. सो वी कैन राइट दिस सेंटेंस लाइक आई डिड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली. आई डिड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज इट वॉज raining heavily. Okay, so आपको अभी conjunctions and or but and because अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे उसके examples देख लिए हैं. ठीक है, now it's time for exercise. Let's do focus exercise. ऑन पेज नंबर 63, नंबर ए. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस. जिसका फर्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट हंग्री और दो कंजक्शंस आपको दिए गए हैं बिकॉज एंड बट. आई एम नॉट हंग्री, आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर हम कौन से कंजक्शन का यूज करके इस सेंटेंस को मर्ज कर सकते हैं? बिकॉज या बट. सो वी कैन यूज बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न दिया गया है. आई एम नॉट हंग्री बिकॉज आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. सो फर्स्ट फोकस के अंदर जो फर्स्ट है ए का, उसके अंदर आप बिकॉज के ऊपर सर्कल बनाओ. यह है उसका आंसर. ठीक है, देन दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी लॉन्ग और एंड बट. तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से मर्ज कर सकेंगे? दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग बट इट इज वेरी लॉन्ग. तो सेकेंड का आंसर क्या है? बट. नाउ नंबर 3, आई पिक्ड अप माई बुक्स और एंड पुट देम इन माई बैग. तो और एंड में से क्या आएगा? आई पिक्ड अप माई बुक्स एंड पुट देम इन माई बैग्स. ओके, सो यहां पर आएगा एंड. नंबर 4, डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी ब्लैंक प्ले वीडियो गेम्स. आपको मूवी देखना है या वीडियो गेम्स खेलनी है? तो आपको यहां पर चॉइस करना है मूवी और वीडियो गेम में से. तो क्या आएगा यहां पर? और. ओके, डू यू वॉन्ट टू वॉच अ मूवी और प्ले वीडियो गेम्स, इस तरह से. एंड द लास्ट नंबर 5, द पप्पी वैग्ड इट्स टेल एंड एट द बिस्किट्स. दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम एंड का यूज करेंगे. पप्पी ने अपनी पूंछ हिलाई, वैग यानी कि हिलाना, एंड उसने बिस्किट खाए. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एंड. सो हियर इज द आंसर ऑफ फोकस एक्सरसाइज. प्लीज राइट डाउन इन योर जीई टर्म बुक. ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर.
okay? And today's your homework is try to write practice exercise by yourself, okay? So see you in our next class. Till then, stay home, stay safe, have a nice day.